फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश शॉर्ट एंड टुडेज टॉपिक इज बेसिक वोवल। इससे पहले आपको 24 बेसिक करेक्टर्स मैंने करवाए हैं, जॉइंट स्ट्रोक मैंने करवाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक वोवल। तो शॉर्ट एंड में हमारे बेसिक वोवल 12 होते हैं। इन शॉर्ट एंड देयर आर 12 बेसिक वोवल, जिनमें से 6 हमारे लॉन्ग साउंड करते हैं और बाकी के 6 हमारे शॉर्ट साउंड करते हैं। लॉन्ग साउंड को आप हैवी वोवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग साउंड में मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग वोवल में हमारा जो पहला वोवल है वो है एज ए लाइक पा। पा देखिए, पा पा में आपको साउंड मिल जाएगी आ वाली, आ में, ए वी ई ओल ओ गो ओ टू ऊ, ठीक है। आपको इजीली आप अगर याद करेंगे, आपको इजीली याद करने के लिए फ्रेजेस सबसे अच्छी रहेगी पा मे वी ऑल गो टू। अगर आपको ये याद हो गई तो ये तो आराम से हो गई, सोच याद ही हो गई ये तो, पा मे वी ऑल गो टू, क्योंकि ये 6 की 6 साउंड इन फ्रेजेस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, स्टार्टिंग के 3 हमारे डॉट हैं, डार्क डॉट, और बाकी के 3 हमारे डार्क डैश है। डार्क क्यों है, क्योंकि इनमें हमारी डार्क साउंड है, हैवी साउंड है, ये हमारे लॉन्ग वोवल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे डार्क डॉट, मे इज मे में आएगा डार्क डॉट, वी डार्क डॉट, ऑल डार्क डैश, गो डार्क डैश, टू डार्क डैश, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 6 डार्क वोवल, हैवी वोवल, लॉन्ग वोवल। अब हम करेंगे शॉर्ट वोवल, जिनमें फ्रेजेज हैं दैट पेन इज नॉट मच गुड, दैट ए यागी ए वाली साउंड, पेन ए इज 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 में ई वाली साउंड, नॉट ओ मच अ गुड उ, ये हमारी छोटी साउंड है। तो दैट पेन इज, ये जो 3 हमारे स्टार्टिंग के हैं, ये 3 हमारे लाइट डॉट होंगे और बाकी के 3 हमारे लाइट डैश होंगे, ठीक है। लाइट डॉट और लाइट डैश, ठीक है। तो ये तो हमारे 24 बेसिक वोवल, सॉरी 12 बेसिक वोवल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इन वोवल को पुट कैसे करना है, किसी भी स्ट्रोक या कर्व पे आप इन वोवल को कहाँ, कौन सा इनका प्लेस होगा, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, वोवल प्लेसेस मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो वोवल प्लेसेस में हम करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग के मैंने 6 डार्क वोवल करवाए आपको, या लास्ट के 6 लाइट वोवल करवाएं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको प्लेस देखना है, उन दोनों का प्लेस सेम ही होता है, उनका प्लेस देखना है कि वो कहाँ पुट करने हैं, स्ट्रोक्स या कर्व पे, ठीक है। तो अबोव द लाइन, जो स्टार्टिंग की हमारी लॉन्ग साउंड है एज लाइक पा, अबोव द लाइन हमारे लाइन से ऊपर होंगे, ऑन द लाइन हमारी लाइन के ऊपर, ठीक है, टच द लाइन भी कह सकते हैं आप, और कट द लाइन होगा लाइन से नीचे। अब स्ट्रोक्स भी कैसे यूज करने हैं, मैंने लिखा लाइक पा पी ए एच, मैंने लिखा पा। तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, अबो द लाइन, ये मैंने आपको बताया डार्क वोवल है, पा है, अबो द लाइन होगा दिस वन पा, ऐसे मे ऑन द लाइन दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस वोवल, मे बी दिस इज थर्ड प्लेस,
अब प्लेस कैसे आपको बता दूं, प्लेस कैसे आपको पता चलेगा? मान लो ये हमारा एक स्ट्रोक है, ठीक है, ये हमारा हो गया पी स्ट्रोक। ऐसे ही आप कोई भी स्ट्रोक ले सकते हैं, जिनमें से सबसे ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट प्लेस, और मिडल बीच वाला हिस्सा हमारा सेकंड प्लेस होता है, और लास्ट वाला हमारा थर्ड प्लेस। अगर वोवल के साउंड इस स्ट्रोक्स या कर्व के बाद आती है तो हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे, और अगर पहले आती है तो इसका फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इस साइड वाला। ओके, ऐसे ही मैं कर्व ले लेती हूँ, लाइक एफ लिया मैंने, तो एफ में जहाँ स्टार्टिंग होती है वो हमारा फर्स्ट प्लेस, बीच वाला सेकंड, और ये हमारा जहाँ फिनिश होता है थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस साइड भी सेम ऐसे। तो पा जैसे ही साउंड फर्स्ट प्लेस वाली आएगी, आप जो कर हो या स्ट्रोक हो उसको लाइन से ऊपर लिखेंगे, अबोव द लाइन, लाइक पा मैंने लिखा अबोव द लाइन, और डॉट मैंने यहाँ लगा दिया डार्क डॉट फर्स्ट प्लेस पे, अबोव द लाइन फर्स्ट प्लेस। सेकंड इज सेकंड प्लेस, यहाँ लगाया मैंने मैं ऑन द लाइन, ऑन द लाइन सेकंड प्लेस वोवल, दिस इज सेकंड प्लेस वोवल, पा मे वी, वी इज थर्ड प्लेस वोवल, लाइक दिस, ठीक है, कट द लाइन या बिलो द लाइन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस, ऐसे ही फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डार्क वोवल हमारे थे, पा फ्रेजेस से मे वी ऑल गो टू, ठीक है फ्रेंड्स, पा मे वी ऑल गो टू, ये मैंने फ्रेजेस लिख दी डार्क वोवल वाले, ठीक है। अब आपको बता दूँ, ये जो हमारा है ये फर्स्ट प्लेस वोवल है, दिस वन इज सेकेंड प्लेस वोवल, ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल है, ये हमारा फिर फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। अब फर्स्ट प्लेस वोवल है तो आपको बता दिया अबोव द लाइन होगा, ये होगा पा डार्क डॉट, मे टच द लाइन, सेकेंड प्लेस वोवल वी, थर्ड प्लेस वोवल ऑल, ऑल अबोव द लाइन ऑल, फर्स्ट प्लेस वोवल हमारे अबोव द लाइन रहेंगे, सेकंड प्लेस वोवल हमारे टच द लाइन रहेंगे, थर्ड प्लेस वोवल हमारे कट द लाइन रहेंगे ऑल। अब मैंने आपको बताया था अगर वोवल की साउंड पहले आती है तो हम वोवल को पहले लेंगे। अब कर्व हमारा एल है ऑल, और ओ वाली साउंड हमारी पहले आ रही है तो डार्क डैश यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस ये हमारा, सेकंड ये, थर्ड ये, तो वोवल की साउंड पहले आई तो पहले लगाएंगे, बाद में आती तो बाद में लगाते। ऑल गो, गो टच द लाइन गो, ऑल गो टू डार्क वोवल, ठीक है, डार्क डैश। पा मे वी ऑल गो टू, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस अबोव द लाइन, सेकंड प्लेस टच द लाइन, थर्ड प्लेस कट द लाइन, फर्स्ट प्लेस अबोव द लाइन, सेकंड प्लेस टच द लाइन, थर्ड प्लेस कट द लाइन। वोवल की साउंड जहाँ आएगी, चाहे वो कौन स्ट्रोक से या कर्व से पहले आए या बाद में आए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वोवल को उस जगह पे प्लेस करना है,
अब लाइट वोवल में कौन कौन से थे हमारे? दैट, पेन इज, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये हमारी है लाइट साउंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइट साउंड में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो तीन हैं वो हमारे लाइट डॉट हैं और लास्ट के तीन हमारे लाइट डैश। तो दैट में देखिए, सॉरी अबो द लाइन मैं भूल गई, इसे आप फर्स्ट प्लेस वोवल हैं। सो दैट इज फर्स्ट प्लेस वोवल, पेन सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। आपको प्लेस याद हो गया कि इनके फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दैट अबोव द लाइन, फर्स्ट प्लेस मैंने बताया आपको अबोव द लाइन, तो ये होगा ऐसे दैट, और दैट साउंड कहाँ आ रही है बाद में, तो ये आएगा यहाँ लाइट दैट। पेन टच द लाइन, सेकंड प्लेस वोवल, इज थर्ड प्लेस इज। अब ये मैंने यहाँ क्यों लगाया, मैंने आपको बताया आई की साउंड पहले आ रही है इज वाली, ई साउंड पहले आ रही है, तो कट द लाइन एस स्ट्रॉ एस कर्व और वोवल साउंड बिफोर, पहले आ गई वोवल की साउंड। नॉट फर्स्ट प्लेस वोवल अबोव द लाइन डैश, ठीक है, एन के बाद साउंड आ रही है ना, नॉट मच मच, एंड थर्ड इज गुड। कट द लाइन, तो लाइन कट करने के लिए हम लिखेंगे जी एंड डी, जी और ओ साउंड इज, ओके। दैट पेन इज नॉट मच गुड, गुड नॉट में साउंड बाद में आएगी, ठीक है। ये हमारा एन है, अगर साउंड पहले आती तो मैं यहाँ डैश लगाती, साउंड बाद में आ रही है तो डैश आएगा यहाँ, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर वोवल प्लेसेस। इससे पहले मैंने आपको वोवल्स 12 बेसिक वोवल करवा दिए, ये हमारा वोवल को कैसे प्लेस करना है, कैसे उनको पुट अप करना है, वो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अबोव द लाइन, टच द लाइन, कट द लाइन, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अबोव, टच, कट, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये हो गए हमारे डार्क डॉट एंड डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी इजीली यू कैन लर्न। एंड द सेकंड लाइट शॉर्ट वोवल इज सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वोवल, फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल, सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल की प्रैक्टिस कीजिए,
बिना प्रैक्टिस तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न शॉर्ट हैंड। ओके, तो आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो बेसिक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक वोवल्स की प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें जितना हो उतना लिखिए, लिखने से शॉर्ट हैंड आती है। ठीक है, जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।